हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि रेलवे में आप सभी के लिए बम्पर भर्ती फिर से निकाली गई है। यह 10वीं पास केवल मांगा है। तो चलिए हम आपको न्यूज़ दिखाते हैं, न्यूज़ में क्या है, साथ साथ नोटिफिकेशन भी आपको ओपन करके हम दिखा देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद लाइक करें, पसंद डिसलाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो न्यूज़ दिया गया है ये अमर उजाला पेपर में छपा हुआ है। ये अमर उजाला का आज का न्यूज़ है। देख सकते हैं इसमें आरआरबी साउथ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2019 का ये दिया गया है। इसमें कौन कौन से पद हैं, कितनी एज है, क्या है आयुसीमा, क्या बात, साथ साथ क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने चला हूँ और साथ देखते चलें। और मैं इसके लिंक भी आपको चल के दिखा दूंगा। पहले यहाँ पर देख लें, यहाँ पर लिखा क्या जा रहा है कि रेलवे में लगातार हो रही बम्पर भर्तियाँ, अब 10वीं पास के लिए 4103 पदों पर निकाली भर्ती। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कौन सी भर्ती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 4103 पदों पे इसमें लिखा है कि रेलवे में लगातार नौकरी के लिए आवेदन निकाले जा रहे हैं, वहीं लाखों की संख्या में उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। जो युवा भारतीय रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन युवाओं के लिए खुशखबरी है। और भर्ती की जो प्रक्रिया है इसमें 4305 पद बता दिया है। और इसमें बोला जा रहा है विस्तृत जानकारी के लिए नीचे पढ़ने के लिए, तो मैं आपको नीचे पढ़ के दिखा देता हूँ। तो देखिए ये सेकंड पे आपका दिया जा रहा है, इसमें दिया है कि पदों का विवरण, ये मैंने आपको बता दिया। पद जो है अप्रेंटिस के पद हैं, इसमें जो है पदों की संख्या 4103 दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए अप्रेंटिस जो पद है इसमें महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, ठीक, प्रारंभिक तिथि जो है आपका 9 नवंबर से शुरू हो रहा है 2019 11 बजे से, और ये इसका जो अंतिम तिथि है 8 दिसंबर 2019 तक 11 बजे तक है, 12 बजे 11:30 बजे रात तक है। ठीक है, यानी कि 9 नवंबर शुरू होगा, 10 और 8 दिसंबर को ये जाके ख़त्म होगा रात में। आप जल्दी जल्दी से जिनका भरना है आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ देखिए आयु सीमा भी दिया गया है कि इसमें न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष मांगा गया है। ठीक है, न्यूनतम 15 अधिकतम 24 वर्ष मांगा गया है। और यहाँ पर देखिए शैक्षिक योग्यता जो दिया गया आप सभी के लिए, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास आवश्यक है। आप 10वीं पास है तो आप इसके योग्य हैं। और अलग अलग पदों के लिए अनुसार निर्धारित अन्य योग्यता भी इसमें दी गई है। ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन नीचे है, मैं अभी आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन भी ऑन करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसमें दिया है आवेदन शुल्क जो है SC ST महिला PWD उम्मीदवारों के लिए जो दिया जा रहा है वह उसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, और अन्य सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। इन सभी कैटेगरी को छोड़ के 100 रुपये अन्य कैटेगरी को देना पड़ेगा आवेदन शुल्क के लिए। ठीक है, आगे आप देखें चयन प्रक्रिया जो है, चयन प्रक्रिया देर का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसकी जो प्रक्रिया मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी कि एग्जाम करा के उसको आप मेरिट बनाई जाएगी। अब आवेदन प्रक्रिया आप देखिए, यहाँ दिया जा रहा है कि आवेदन दिए गए निश्चित समय में पूरा किया गया मान्य होगा, यानी कि आपको 8 दिसंबर के पहले पहले या 8 दिसंबर रात तक आपको पूरा कर लेना होगा। आवेदन करने से पहले आगे की दी गई सूचना जरूर पढ़ लें। सभी जानकारी से अवगत होकर आवेदन प्रक्रिया 9 नवंबर 2019 सुबह 11 बजे तक से 8 दिसंबर 2019 शाम इतना बजे तक आप कर लें। ठीक है, आगे हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि इसमें जो दिया जा रहा है, अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका जो लिंक है नोटिफिकेशन के लिए, मैं उसको ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखें कि किस तरह किस पे आते रहते हैं एड्स। देखिए इसमें क्या दिया जा रहा है, अब इसका वेबसाइट में दिखाता हूँ आपको। तो इसकी वेबसाइट में मैं जा रहा हूँ, अधिकारी वेबसाइट, ये आप देख सकते हैं, ये आप इसकी अधिकारी वेबसाइट पे आ गए हैं। तो ये जो साउथ सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है दोस्तों, आप यहाँ पर अधिकारी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। ACET ये देखिए 2019 ये आपका आ रहा है। ठीक है, ये वाला ये देखिए जो चला गया है। ठीक है, इसी पर आप ओके करके डायरेक्ट जाके वहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी दिया जा रहा है, देखें आप ACET 2019 ये वाला है आपका। ठीक है, ये वाला यहाँ पर आप जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।